हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास न्यू बाइक है जो कि आप देख रहे हो, ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस, जो कि 100 मिलियन एडिशन आई है। अब एक्चुअली 100 मिलियन सेल होने के बाद इन्होंने कंपनी ने नया एडिशन निकाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ, इसके सारे फीचर्स, प्राइस, माइलेज सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस बाइक को लेकर जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा, साइड आउट क्लियर करने वाला हूँ। और लास्ट में इस बाइक को डिलीवरी देते समय क्या क्या हमें एसेसरीज देती हैं और क्या क्या हमें मिलती है, वो सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये रही हमारी हीरो की स्प्लेंडर प्लस, जो कि 100 मिलियन एडिशन है। कुछ ऐसे दिखती है सामने से। सबसे पहले मैं इस बाइक का आप लोगों को एक 360 व्यू दे देता हूं, ताकि एक रफली आइडिया मिल जाए बाइक दिखती कैसी है। और राइट साइड से ये बाइक कुछ ऐसी दिखती है जो कि आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है रेड कलर में। और साइड में आ जाते हैं और ये रहा इसका बड़ा सा ग्रैप रेल जो आप देख रहे हो, और इधर सा इसका व्यू कुछ ऐसे मिलने वाला आप लोगों को। दोस्तों, अभी आप लोगों को एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि ये बाइक दिखती कैसी है। अभी हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए तो आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा आपका हेडलाइट, जो कि आपको हैलोजन मिलने वाला है। ये पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। और ये मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पर आप सबसे पहले आपको इंजन भी ऑन करना पड़ेगा, मैंने वो भी ऑन। बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। अभी आगे चलते हैं और ये देखें तो आपको, ये मुझे लगता है हाई बीम ऑन है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक्चुअली हाई बीम ऑन है। पहले मैं नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा नॉर्मल लाइट, जो कि ऐसे दिखेगी। अभी हाई बीम ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। हाई बीम ऑन करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। हाई बीम ऑन करने के बाद ब्राइट रोशनी हो जाती है, जो कि अच्छी बात है मेरे राइडर के लिए। और डेल सिग्नल लैंप की बात करें तो ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा, ये आपको बल्ब मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे जलेगी ऑन होने के बाद। अभी मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले दोस्तों। ये रहा वन, मैंने ऑफ कर दिया। और आगे चलते हैं और यहाँ देखें तो आपको नंबर प्लेट लगने वाला है। और ये रहा इसका सस्पेंशन, जो आप देख रहे हो। आपको सस्पेंशन मिल जाएगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट में। और रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको मिलने वाला दोस्तों 5 स्टेप्स एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप 5 स्टेप्स एडजस्ट कर सकते हो इस सस्पेंशन को रियर में। और आगे चलते हैं और यहाँ पर पहले नज़र हमारी मडगार्ड पर जाएगी। मडगार्ड की बात करें तो आपको रेड कलर में ग्लोसी फिनिश में मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी मिलने वाला है। और अभी हम इसके टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, जो कि कुछ ऐसे हैं। और दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं, जो कि C8 का टायर है दोस्तों। और इसमें आपको रेडियल टायर भी मिल जाता है। जो रेडियल की खासियत क्या होती है, ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेडियल टायर इसलिए बीच में हार्ड होता है, साइड से सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से जब हम बाइक को कॉर्निंग पर थोड़ा तिरछा होकर चलाते हैं तो एक अच्छी खासी सड़क को ग्रिप प्रदान करता है, इससे हमारी बाइक स्लिप नहीं होती, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों इस बाइक के लिए। और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला 80x100 का। और रियर का पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में भी आपको सेम ही टायर मिलने वाला है 80x100। यहाँ पे थोड़ा वाइड मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और आगे चलते हैं, इसके व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिलने वाली है, जिसकी साइज़ आपको फ्रंट में मिलने वाली है 18 इंच। और रियर की बात करें, रियर में भी आपको 18 इंच ही मिल जाएगी दोस्तों। इसके ब्रेक की बात करें तो आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिल जाएगा और रियर में भी आपको 130 mm का ड्रम मिल जाएगा। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको IBS मिलने वाला है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे ऐसे करता है, जब हम रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अगला ब्रेक भी लगता है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे हमारे सही टाइमिंग पर ब्रेक लग जाता है और हमारे एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और ये रहा बड़ा सा हमारा लेग गार्ड, जो आप देख रहे हो क्रोम फिनिश के साथ में आता है। और इसका ये रहा इंजन। अभी हम दोस्तों इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 97.2 cc का इंजन मिल जाएगा और इसकी मैक्सिमम पावर रहनी है 8.02 PS एट 8000 RPM। और टॉर्क आपको मिल जाएगा 8.05 Nm एट 6000 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक 2-वॉल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर और साथ में आपको 4-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है दोस्तों। और ये रहा आपको किक, इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों मिलने वाला है। ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट और ये रहा आपका ब्रेक पैड। और ये रहा आपका कैथलेटिक कन्वर्टर, जो आप देख रहे हो। इसके ऊपर आपको एक कवर भी लग जाएगी, लेकिन अभी लगी नहीं हुई है, जब डिलीवरी देंगे तो लगा के दे देंगे। और आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा दोस्तों। और इधर ग्राफिक्स आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको हीरो लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि देखने में कड़क लग रहा है। और यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में आई थ्री एस के बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। और ये रहा आपका राइडर पिलर राइडर फुटरेस्ट का पिलर राइडर फुटरेस्ट, जो कि फोल्डेबल है। और ये रहा आपका साइलेंसर, जो कि ऐसे है। इसके ऊपर आपको साइलेंसर कवर भी मिल जाएगी, लेकिन अभी लगाया नहीं गया है, डिलीवरी के बाद डिलीवरी देते समय लगा देंगे, जो कि कुछ ऐसे मिलने वाले हैं साइलेंसर कवर। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये कुछ ऐसे साइलेंसर कवर आपको मिल जाएगी। और ये रहा आपको ये कैथलेटिक कन्वर्टर का कवर भी आपको ऐसे मिलने वाला है, जो आप देख रहे हो। और आगे चलते हैं, अभी हम उसी बाइक पे।
और इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला, थोड़ा मैं दूर से दिखा देता हूँ इस बाइक का व्यू, ये कुछ ऐसे रहा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको स्टिकर वर्क मिल जाता है। और अभी हम पीछे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका बड़ा सा ग्रैब रेल। और इसकी टेल लैंप की बात करती है, आपको बल्ब मिलने वाला है। ये पहले मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ, ऑन कर दिया, इंजन भी ऑन कर देता हूँ, अभी देखते हैं। ये टेल लैंप जो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। और आगे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लग जाएगा। और ये रहा रिफ्लेक्टर, और ये रहा मडगार्ड। इसका मडगार्ड आपको थोड़ा लंबा मिलेगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पिलर राइडर के ऊपर मिट्टी उड़ के नहीं जाएगी। और यहाँ देखें तो आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज़ फुटरेस, अभी लगा नहीं हुआ, ये है, लगा के मिलेगा आप लोगों को। और ये रहा आपको सेम ही ग्राफिक्स मिलने वाला जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और ये रहा हमारा पिलर राइडर फुटरेस जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्रेस की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, और साथ में आईथ्रेस की भी। और ये रहा हमारा राइडर फुटरेस जो कि रबर फिनिश के साथ में है। और साथ में ये रहा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला। ये रहा हमारा सिंगल स्टैंड, ये रहा हमारा डुअल स्टैंड दोस्तों। और इधर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रहा इंजन, इधर से कुछ ऐसे देखने को मिलने वाला है। और इधर से ये रहा ग्राफिक्स, इधर भी आपको सेम ही ग्राफिक्स मिलने वाला जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, 1 मिनट मैं बताना भूल गया। इसमें आपको चैन कवर मिल जाती है जो कि अच्छा है, इसे मैं बार बार चैन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे चलते हैं दोस्तों, सामने की तरफ आ जाते हैं, बाइक देखते हैं सामने से कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी दोस्तों अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं। सीट से पहले इसके ग्रैब रेल की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का है, जो कि मेटल के साथ में आता है, मेटल फिनिश के साथ में आता है। इस पर आप कुछ भी कैरी कर सकते हो। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें तो आपको ये बड़ी सी सीट देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल है। और साथ में यहाँ पर देखें तो आपको 100 मिलियन सेलिब्रेशन का, मतलब 100 मिलियन हीरोज़ की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और साथ में एक थोड़ा चेंज किया गया है, देखो यहाँ पे आपको अलग से डिज़ाइन देखने को मिलेगी सीट में, जो कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। साथ में यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रेचिंग की गई है, मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा जो कि आप देख रहे हो। अभी हम चलते हैं इसके टैंक पे। टैंक की बात करें तो मैं पहले दोनों तरफ से आपको टैंक दिखा देता हूँ। ये रहा इसका टैंक जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इधर आपको 100 मिलियन हीरोज़ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे आप पहचान लगा सकते हो कि 100 मिलियन एडिशन है ये। और इसके टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसकी माइलेज आपको अप्रोक्स मिल जाएगी 70 to 75 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, पहले मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा, इसमें आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्पीड शो करेगा कितना किलोमीटर चलिए। यहाँ पे आपका साइड स्टैंड का इंडिकेटर है, आईथ्रेस का, ये आपका फ्यूल का, ये आपका न्यूट्रल का, ये आपका इंजन मार्क फंक्शन है, ये अपर डिपर, ये टच सिग्नल लैंप का यहाँ पे इंडिकेट करता रहेगा। और हैंडल बार पे आते हैं, ये आपका थ्रोटल हो गया, ये आपका हो गया ब्रेक लीवर, ये आपका आईथ्रेस। अभी हम आईथ्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। आईथ्रेस कब काम करता है? जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बार बार हमें की से बाइक को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम आईथ्रेस ऑन करके रखते हैं तो अपने आप बाइक ऑफ हो जाती है। जब हमें स्टार्ट करना होता है तो क्लच से या साइन से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन। अभी हम दूसरी तरफ आते हैं, ये हमारा अपर डिपर, ये साइड लैंप, इसका हॉर्न हो गया, और ये हमारा हो जाता है क्लच लीवर दोस्तों। और ये रहा इसका मिरर, मैं सामने से आप लोगों को मिरर दिखा देता हूँ इस बाइक का। ये कुछ ऐसे मिरर आप लोगों को मिलने वाला दोस्तों। अभी हम इस बाइक के लेंथ की बात कर लेते हैं। इसमें आपको लेंथ मिलने वाला 2000 mm का, और इसकी विड्थ की बात करें तो आपको मिल जाएगा 720 mm। इसकी हाइट है 1052 mm, सेडल हाइट है 785 mm, और व्हील बेस आपको मिलने वाली है 1236 mm, और वेट आपको मिल जाएगा 112 kg दोस्तों। और दोस्तों इसमें चेंजेस की बात करें तो नॉर्मल हमारे स्प्लेंडर प्लस से क्या चेंजेस है, सिर्फ आपको ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिलने वाला है, और कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम आपको इंजन मिल जाता है, सेम टायर साइज, सेम ब्रेकिंग सिस्टम, और थोड़ा बहुत ये सीट में आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हो। और ये स्ट्रेचिंग आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, नॉर्मल वाले में आपको नहीं मिलने वाली। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये है नॉर्मल वाली, पास में नॉर्मल वाली कुछ ऐसी हैं, और ये हमारी 100 मिलियन एडिशन कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 100 मिलियन हीरोज़, यहाँ पे भी टैंक के भी आपको 100 मिलियन एडिशन लिखा हुआ मिल जाएगा। और प्राइस की बात करें तो प्राइस का मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में ये भी बताने वाला हूँ इस बाइक के साथ में हमें एसेसरीज क्या मिलने वाला है, इस सब बारे में हम डिस्कस करने वाले आगे वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ में हीरो की टीम से है, सर आपका नाम? सर अनुग्रह मिश्रा हमारा नाम है। अनुग्रह मिश्रा सर जी, ये एक्चुअली 100 मिलियन सेलिब्रेशन हमारा स्प्लेंडर प्लस है, और इसका एक्सोरूम प्राइस आप बता दो। बिल्कुल सर, ये 100 मिलियन जो अभी आई है स्प्लेंडर प्लस सर, इसका सर ये एक्सोरूम प्राइस जो है 66,910 रुपये है सर। ओके, 66,000 के आसपास है। ओके सर, ऑन रोड कितना पड़ जाएगा ये? सर गाड़ी बीमा रजिस्ट्रेशन अगर आप लेते हैं सर 81,359 रुपये पड़ेगी। 81,000 के आसपास जी। ओके, अगर कोई कम से कम डाउन पेमेंट देना हो तो कम कितना देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसमें 20,000 आपको देना पड़ेगा। और इसमें कोई और कलर वेरियंट है कि बस यही है?
इसमें सर अभी एडिशन में सिर्फ यही एक ही कलर रखा है। ओके ओके। और अपने शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का। सर ये जनता हीरो भगवक चुंगी प्रतापगढ़ लगता है सर, ये नियर अबाउट जो है चुंगी के जस्ट पहले 100 मीटर सर, इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने ये शोरूम है बड़ा सर। अच्छा, आप ये बता दो इस बाइक को डिलीवरी देते समय क्या क्या एसेसरीज आप दे सकते हो? इसमें सर जैसे गाड़ी बीमा रजिस्ट्रेशन कस्टमर मांगता है सर, तो इसके साथ में सर मैं शीशा और साइलेंसर पत्ती और सीट कवर मुठिया ब्रेक पेडल रबड़ सर इतना प्रोवाइड करा देते हैं कस्टमर को। दोस्तों अगर आप लोग हीरो की कोई बाइक लेना हो तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आपको हीरो की सारी बाइकें मिलने वाली है। मैं इनका एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनसे सारी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम लोग ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।